हेलो माय डियर पेरेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ ग्रेट वीक। सो माय डियर पेरेंट्स, আমি আজকে আমাদের শিমরা কাইজের মাই প্র্যাকটিস বুক থেকে একটা অ্যাক্টিভিটি করাবো। সুতরাং আপনারা কিন্তু মাই প্র্যাকটিস বুকের আমি যেভাবে লিখে দিয়েছি এরকম ভাবে কিন্তু আমাদের শিমরা কাইজে লিখে দেবেন। এইগুলো দেখেই কিন্তু আমাদের শিমরা কাইজরা আজকে অ্যাক্টিভিটিটা করবে। सो माई डियर फ्लावर्स, अभी आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो। मेरे फ्लावर्स लोग अच्छे हैं ना? अच्छा, वेरी गुड। मैं कौन हूँ जल्दी से बता दो। यस, आप लोगों के अंतरा मैम है ना। अच्छा, सो फ्लावर्स, आज हम क्या करने वाले हैं? ओके, मैं आपको बताती हूँ। आज ना हम हिंदी स्वर के एक अक्षर लिखना अभ्यास करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, कौन सी अक्षर आपको पता है? रुको, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, कौन सी अक्षर है ये बताओ मुझे? री है ना। वेरी गुड, यही अक्षर आज हम लिखना प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसके लिए तो माय प्रैक्टिस बुक चाहिए होगा, है ना? ये देखो माय प्रैक्टिस बुक। हाँ, ये बुक जल्दी से ले आओ। और साथ में क्या क्या ले आना पड़ेगा? एक पेंसिल और एक इरेजर, है ना? जाओ जल्दी से ले आओ फ्लावर्स। अच्छा, ले आए हो, वेरी गुड। अभी इस बुक के पेज नंबर 6262 ओपन कर लो। विच नंबर इज दिस मेरे साथ बोलो? 6262, राइट? वेरी गुड फ्लावर्स। अच्छा, अभी ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कि री से क्या क्या होते हैं, आपको पता है? री से ऋषि होते हैं, मैंने आपको बताई थी ना इससे पहले। हाँ, चलो और एक बार मेरे साथ बोलो। री से ऋषि होते हैं, है ना? हाँ, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं री से। हाँ, अच्छा चलो अभी हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो ना एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, यानी शुरू करने के लिए? ओके, सो चलो फ्लावर्स शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्लावर्स, अभी बताओ ये कौन सी अक्षर है? री है ना? देखा ना यहाँ पर कितना सारा री है ना? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस अक्षर को यहाँ पर लिखना प्रैक्टिस करेंगे। चलो सबसे पहले हम फिंगर से ट्रेस कर ले। कैसे? सबसे पहले एक खड़ी रेखा, है ना? फिर यहाँ से एक तिरछी रेखा निकालेंगे, खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे। फिर यहाँ से और एक तिरछी रेखा ऐसे निकालेंगे, है ना? फिर यहाँ से एक रेखा को ऐसे उठाकर ऐसे घुमा देंगे। फिर और एक बार ऐसे घुमा देंगे। फिर मात्रा दे देंगे, है ना? ओके फ्लावर्स, सो अभी चलो सब पेंसिल ले लो मेरी तरह। पेंसिल ले आना। ओके, कैसे लिखेंगे हम? देखो मेरे साथ सभी लिखो, आप लोग जानते हो कैसे लिखना है। ओके चलो, सबसे पहले एक क्या, एक खड़ी रेखा निकालेंगे, है ना? फिर यहाँ से एक तिरछी रेखा निकाल के खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे। फिर यहाँ से और एक खड़ी रेखा ऐसे निकालेंगे। फिर यहाँ से एक रेखा को ऐसे उठाकर ऐसे घुमा देंगे। फिर और एक बार ऐसे करके घुमा देंगे। फिर क्या, मात्रा दे देंगे। सो ये हमने क्या लिखा? री, है ना? चलो यहाँ पर भी लिखते हैं। सबसे पहले एक खड़ी रेखा निकालेंगे, है ना? फिर यहाँ से एक तिरछी रेखा ऐसे निकाल के और एक तिरछी रेखा ऐसे निकालेंगे। फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे उठाकर फिर ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे। फिर मात्रा दे देंगे, है ना? सभी लिखो मेरे जैसा। ओके, अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे सेम तरीके से। सबसे पहले खड़ी रेखा निकालेंगे, फिर एक तिरछी रेखा निकालेंगे, फिर और एक तिरछी रेखा ऐसे निकालेंगे। फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे करके ऐसे घुमाकर फिर ऐसे घुमा देंगे और मात्रा दे देंगे, है ना? देखा ना, मैं तो बहुत अच्छे से लिख रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी मेरे जैसा जल्दी से लिख लो। बहुत धीरे धीरे और स्लोली स्लोली हमें लिखना है, नहीं तो बाहर निकल जाएगा लाइन से, है ना? ओके, देखा ना, मैंने तो लिख ली। ऐसे करके मैं सभी री को लिख लूँगी, ठीक है? देखा ना, फिर क्या, ऐसे तिरछी रेखा निकाल के और एक तिरछी रेखा निकालेंगे। फिर यहाँ से एक रेखा को ऐसे करके ऐसे घुमाकर ऐसे घुमा देंगे। फिर मात्रा दे देंगे। देखा ना कितना इजी है, आप लोग तो लिख सकते हो मेरे साथ। जल्दी से लिखो,
एक खड़ी रेखा निकालेंगे, फिर ऐसे तिरछी रेखा निकाल के खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे, फिर यहाँ से और एक तिरछी रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे करके इसे ऐसे घुमा देंगे, फिर ऐसे घुमा देंगे, फिर मात्रा दे देंगे। देखा ना? लो फ्लावर्स, आप लोग भी जल्दी से मेरी जैसा लिख लो। कितना इजी है ना लिखने में। देखा ना, मैं तो बहुत सारे लिख चुकी हूँ अभी तक, है ना। आप लोग भी जल्दी से लिख लो। देखा, ये भी लिख ली मैंने, चलो आप भी लिखो। कैसे? एक खड़ी रेखा निकालना है हमको, है ना। फिर यहाँ से एक तिरछी रेखा ऐसे निकाल के खड़ी रेखा के साथ जोड़ दिया है मैंने, देखा ना। फिर यहाँ से और एक तिरछी रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे एक रेखा को निकाल के फिर ऐसे घुमाकर और एक बार घुमा देंगे और मात्रा दे देंगे। ऐसे ही तो री लिखते हैं, है ना। वेरी गुड। लो फ्लावर्स, जल्दी से आप लोग खत्म करो मेरे साथ। कैसे? एक खड़ी रेखा निकालेंगे, फिर एक तिरछी रेखा, फिर ऐसे करके एक रेखा निकालेंगे, फिर इसे घुमा देंगे और एक बार घुमा देंगे, फिर मात्रा दे देंगे। सो हम कौन सी अक्षर लिख रहे हैं अभी मेरे साथ, बोलो। री। और री से क्या होता है? ऋषि होता है ना। ओके, देखो फ्लावर्स, मैंने लिख ली। और कुछ बाकी है मेरे? फिर तो मेरी खत्म हो जाएगी। देखा ना, कितना इजी है री लिखना। लो फ्लावर्स, बहुत अच्छे हो रहा है। धीरे धीरे आप लोग मेरे जैसा लिख लो। एक खड़ी रेखा निकालना है हमें, फिर ऐसे एक तिरछी रेखा निकाल के खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे, फिर यहाँ से और एक तिरछी रेखा निकालेंगे, यहाँ से एक रेखा निकाल के इसे घुमा देंगे और एक बार घुमा देंगे, फिर यहाँ से मात्रा दे देंगे। सो फ्लावर्स, देखो मैंने तो बहुत सारे री लिख लिया है ना। अभी यहाँ पर भी आप लोग सेम तरीके से सभी री को जल्दी से लिख लो। बहुत अच्छे हो रहे हैं फ्लावर्स। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आप लोग यहाँ पर भी सभी री को लिख लो, ठीक है। चलो फ्लावर्स। सो माई डियर फ्लावर्स, आज हमने कौन सी अक्षर लिखना प्रैक्टिस किया है, यानी अभ्यास किया है, बताओ मुझे। यस, री, है ना। अभी आप लोगों को क्या करना है, घर में तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। नहीं तो कैसे याद रहेगा री कैसे लिखते हैं, है ना। ओके, याद रहेगा ना। ओके फ्लावर्स, सो अभी क्या करना है, मम्मी या फिर पापा को बोलना है इस एक्टिविटी शीट के एक फोटो गूगल क्लासरूम में सबमिट कर देने के लिए, ठीक है। चलो फ्लावर्स, आवर क्लास इज ओवर फ्लावर्स। ओके, चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू फ्लावर्स, बाय।